बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनमाजी के लिए हुक्म। नंबर एक, जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया वो अनकरीब जहन्नम के एक ख़ास तबके में डाले जाएंगे। अल-कुरान। दो, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की बिलयकीन उसने कुफर किया। अल-हदीस। तीन, बेनमाजी की उम्र में बरकत ना होगी। अल-हदीस। चार, सालहीन की अलामत बेनमाजी के चेहरे से हटा दी जाएगी। अल-हदीस। पाँच, बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होकर मरेगा। अल-हदीस। बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती। अल-हदीस। सात, बेनमाजी भूख और प्यास की हालत में मरेगा, इसकी प्यास नहीं बुझेगी अगरचे दरियाओं का पानी पिला दिया जाए। अल-हदीस। आठ, बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाएगी और आखरत में सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। हदीस। बेनमाजी को किसी अमल का सवाब नहीं मिलेगा। दस, बेनमाजी को कैद में डाला जाएगा ता वक्ते के तौबा ना करे। इमाम हज़रत अबू हनीफ़ा। 11, बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। 12, तर्क नमाज कुफर है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। 13, सुल्तान इस्लाम बेनमाजी के लिए कत्ल का हुक्म दे, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह। 14, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, हज़रत अब्दुल कादर जिलानी। 15, बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है, सुल्तान बाहू।